हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल गोगो मीडिया में। दोस्तों, इस बार ना ही मैं आपके सामने कोई ब्लॉग लेके आया हूँ, ना ही मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ। इस बार मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेके आया हूँ, जो कि जब मेरे सुनने में आई तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए और इसके ऊपर एक वीडियो अपलोड करना चाहिए। दोस्तों, बधाई वासियों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। मैं आपको इस वीडियो में वो बहुत बड़ी खबर आगे दूंगा चल के, तो चलिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों, किसी जमाने में बधाईयों में मीटर गेज हुआ करती थी, मीटर गेज लाइन। तो समय के परिवर्तन के साथ साथ ब्रॉड गेज में मीटर गेज का परिवर्तन हुआ। 2016 में ब्रॉड गेज में परिवर्तन होने के बावजूद बधाईयों के लोगों को ना तो दिल्ली की कोई सौगात मिली, ना ही लखनऊ की कोई सौगात मिली। तो इस चीज को देखते हुए हमारे नेतागणों ने ऊपर प्रस्ताव रखा, जिसे रेलवे बोर्ड की मंजूरी के लिए जा चुका है। तो एक ब्रेकिंग न्यूज ये निकल कर आ रही है समाचार पत्रों के माध्यम से कि बदायूं से वाया बरेली, मुरादाबाद, गाजियाबाद होते हुए एक सीधी ट्रेन दिल्ली के लिए चलेगी। और ये ट्रेन बताया जा रहा है कि बदायूं में वॉशिंग पिट लाइन ना होने के कारण ये ट्रेन डायरेक्ट बदायूं से ना चलकर कासगंज से ऑपरेट होगी, जहां पर वॉशिंग की सुविधा भी है। तो इस ट्रेन की चलने की जो दिन निर्धारित किए गए हैं, ऐसा ऑफिशियली नोटिस में मैं देख पा रहा हूं, सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। तो ये जो ट्रेन ऑपरेट होगी, तो इन चार दिनों में ये ऑपरेट होगी वाया बरेली मुरादाबाद होकर। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस ट्रेन में यात्रा करूं और पहली पहली बार आपको दिखाऊं बदायूं से, सीधा मैं आपको कासगंज से ही दिल्ली लेकर चलूंगा, उस ट्रेन में यात्रा करवाऊंगा, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं उसमें यात्रा करूं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो मैं एक यात्रा का ब्लॉग आपके लिए लेकर आऊंगा। और इस ट्रेन के मिलने से मुझे लगता है बदायूं वासियों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है। तो मुझे भी ये लगा था कि चलिए क्यों ना इस पर एक वीडियो शूट किया जाए और लोगों को जानकारी दी जाए कि बदायूं से भी एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलने वाली है, और रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो मुझे लगता है जल्दी ही इस पर अमल किया जाएगा और बदायूं से डायरेक्ट दिल्ली के लिए ट्रेन मिलेगी। तो जैसे जैसे मुझे भी जानकारियां मिलती जाएंगी, मैं आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। और भी अधिक जानकारी के लिए जो भी चीजें बधाइयों में कुछ नया हुआ करेगा, मैं उसके लिए भी आपके सामने वीडियो लेकर आऊंगा। तो जुड़े रहें मेरे चैनल के साथ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।